सत्य प्रेम की कथा का टीजर जब से रिलीज हुआ है, लोग फिल्म को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग जो आए दिन वो प्रमोशन कर रहे हैं उसको भी देख रहे हैं सोशल साइट में, और इसी बीच सोशल साइट में ये दोनों छाए हुए हैं। और कार्तिक आर्यन ने इकोनॉमी क्लास में सफर करके एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी, साथ में ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा। लेकिन इस बीच एक और गाने का टीजर सामने आया पसूरी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कार्तिक और कियारा फंसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि फिल्म विरोध में आती हुई दिख रही है। क्यों विरोध में आती दिख रही है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जेबीटी एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट जेबीटी एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल। जैसे कि हमने कहा है कि कार्तिक और कियारा की फिल्म सत्य प्रेम की कथा काफ़ी सोशल साइट में वायरल हो रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, दोनों को साथ में देखना पसंद करते हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, टीज़र यानी कि पसूरी के टीज़र ने इनको मुश्किलों में डाल दिया है। ये गाना है, इस गाने में जो टीज़र है अब रिलीज़ हुई है दोनों की, जिसको देखकर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनका मानना है कि जिसने भी इसका रिमिक्स किया है उसको सज़ा दी जाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल ये माना जा रहा है कि ये कोक स्टूडियो पाकिस्तान का रिमिक्स बनाया गया है पसूरी को, जिसको अली शेठी ने और शायद गिल ने गाया था, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन इसी बीच पसूरी गाने के आते ही यानी कि टीज़र के आते ही कार्तिक और कियारा सोशल मीडिया पर छा गए हैं। जी हाँ, इस गाने को लेकर अब इन दोनों को यानी कि फिल्म को भी अब विरोध झेलनी पड़ रही है। ये फिल्म 29 जून को रिलीज़ होने वाली है, इससे पहले हर जगह पे प्रमोशन कर रहे हैं दोनों एक्टर्स और बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस टीज़र के आने के बाद सोशल मीडिया पर विरोध के कारण ये छा गए हैं, और हर कहीं पर इस गाने को, जो पाकिस्तानी वर्जन था उस गाने को लोगों ने बेहद पसंद किया था, लेकिन इस गाने को पसंद नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस गाने के टीज़र के आने के बाद सत्य प्रेम की कथा जो फिल्म है वो मुश्किलों में दिख रही है और विरोध इसका हर कहीं पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस गाने के टीजर के बाद कियारा और कार्तिक जो हैं लोगों के घेरे में आ चुके हैं। वैसे भी इकोनॉमिक क्लास में जब कार्तिक ने सफ़र किया था इसके बाद ही वो ट्रॉल हुए हैं। अब इस गाने के टीज़र ने भी एक बार फिर से इस एक्टर को अपने घेरे में ले लिया, यानी कि विरोध के घेरे में ले लिया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस गाने की जो बोल है उसको चेंज करेंगे अब मेकर्स क्या कुछ करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये दोनों सोशल मीडिया पर इसी कारण से छाए हुए हैं। वेल दैट्स इट फॉर नाउ, ऐसे ही और न्यूज़ को देखने के लिए देखते रहिए जेबीटी एंटरटेनमेंट चैनल।